दोस्तों, कुछ लोगों की कहानियां हमें सिखाती हैं कि कैसे अपनी मेहनत के दम पर फर्श से अर्श तक पहुंचा जा सकता है। ऐसे ही लोगों में से एक थे एमडीएच मसाले के मालिक महाशय धर्मपाल गुलाटी, जिन्होंने 97 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। उम्र के अंतिम पड़ाव पर भी सक्रिय रहने वाले सदाबहार धर्मपाल कभी दिल्ली की सड़कों पर तांगा चलाते थे और फिर अपनी सूझबूझ और मेहनत के बूते कैसे अरबों का साम्राज्य खड़ा करने में कामयाब रहे, आइए आपको बताते हैं। धर्मपाल गुलाटी का जन्म 27 मार्च 1923 को पाकिस्तान के सियालकोट में हुआ था। उनकी पढ़ने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। पिता चुन्नीलाल ने काफी कोशिश की, लेकिन पढ़ाई में उनका मन नहीं लगा। पिता ने एक जगह काम पर लगा दिया, लेकिन यहां भी मन नहीं लगा। धर्मपाल ने एक के बाद एक कई काम छोड़े, जिनमें साबुन, फर्नीचर, कपड़े, हार्डवेयर, चावल भी शामिल थे। चिंतित पिता ने तब सियालकोट में उनके लिए मसाले की दुकान खुलवा दी। ये उनका पुश्तैनी कारोबार था, इसलिए दुकान चल पड़ी। लेकिन मुश्किलें फिर सामने आ खड़ी हुई जब 1947 के विभाजन के समय उनका परिवार अमृतसर आ गया और कुछ वक्त बाद उन्हें परिवार के साथ दिल्ली आना पड़ा। तब उनकी उम्र 20 साल थी और उस समय उनके पास केवल 1500 रुपए थे। कोई रोजगार नहीं था। तब 1500 रुपए में से 650 रुपए का घोड़ा तांगा खरीद लिया और रेलवे स्टेशन पर सवारी ढोने लगे। एक सवारी से 2 आना किराया लेते थे, लेकिन धर्मपाल का मन तो कारोबार में रमता था, इसलिए 2 महीने बाद धर्मपाल ने तांगा अपने भाई को दे दिया और करोलबाग की अजमल खान रोड पर एक छोटा सा खोखा लगाकर महाशिया दी हट्टी MDH के नाम से मसाला बेचना शुरू कर दिया। उनके मसाले लोगों को इतने पसंद आए कि कुछ ही समय में उनकी दुकान मसालों की मशहूर दुकान बन गई। कारोबार के शुरुआती दिनों में उन्हें अपनी पत्नी लीलावती का भरपूर सहयोग मिला। छोटी सी पूंजी के साथ कारोबार शुरू करने वाले धर्मपाल ने धीरे धीरे दिल्ली के अलग अलग इलाकों में दुकानें खोल ली। मांग बढ़ने के साथ उन्हें फैक्ट्री लगाने की आवश्यकता महसूस हुई, लेकिन इसके लिए काफी पैसे चाहिए थे। तब उन्होंने बैंक से कर्ज लेकर 1959 में दिल्ली के कीर्ति नगर में मसाले की अपनी पहली फैक्ट्री लगाई। धर्मपाल गुलाटी की मेहनत की बदौलत MDH आज करीब 2000 करोड़ रुपए का ब्रांड बन चुका है और देश दुनिया में अपनी खुशबू और जायका बिखेर रहा है। भारत और दुबई में MDH की 18 फैक्ट्रियां हैं, जिनमें तैयार मसाले इंग्लैंड, अमेरिका, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, हांगकांग, सिंगापुर समेत कई देशों में बेचे जाते हैं। महाशय धर्मपाल अपनी कंपनी के विज्ञापन खुद ही करते थे और उन्हें दुनिया का सबसे बुजुर्ग एड स्टार भी माना जाता था। धर्मपाल सिर्फ 5वीं क्लास तक पढ़े थे, लेकिन कारोबार जगत में उन्होंने बड़े बड़े डिग्री धारकों को भी पीछे छोड़ दिया। धर्मपाल FMCG सेक्टर में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले CEO थे, जिनकी 2018 में एनुअल सैलरी 25 करोड़ रुपए थी। हालांकि अपनी सैलरी का करीब 90% हिस्सा वो दान कर देते थे। महाशय की जिंदगी मुश्किलों में गुजरी थी, इसलिए दूसरों का दर्द बांटने के लिए हमेशा आगे रहते थे। अपने पिता के नाम पर उन्होंने महाशय चुन्नीलाल चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना की थी, जिसके तहत कई स्कूल, अस्पताल और आश्रम बनवाए, जो जरूरतमंदों की मदद में लगे हैं। अपनी उपलब्धियों के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित महाशय धर्मपाल गुलाटी हमेशा सबके प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे।